17 सितंबर 1950 आजादी के 3 साल बाद गुजरात के वडनगर के एक गुजराती परिवार में जन्मा एक ऐसा लाल जो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बना। मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। आज चलते हैं उनके बचपन में और जानते हैं उनके बचपन से जुड़े 4 मजेदार किस्से। नरेंद्र मोदी को किताबें पढ़ना बड़ा पसंद था। वे अक्सर एक लाइब्रेरी में जाकर घंटों तक किताबें पढ़ा करते थे और शुरुआत से ही मोदी जी पढ़ाई और काम को बैलेंस करके चलते थे। उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे। पीएम मोदी स्कूल से लौटने के बाद अपने पिता का काम में हाथ बांटते थे और स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और जब ट्रेन आती थी उसमें चढ़कर भी चाय बेचते थे। और तैरने के तो वो इतने शौकीन थे कि पूछो ही मत। वे अक्सर अपने घर के पास बने शर्मिष्ठा सरोवर में नहाने जाते थे। मजेदार बात यह है कि उस सरोवर में मगरमच्छ भी हुआ करते थे, लेकिन पीएम मोदी बिना डरे उसमें छलांग लगा देते थे। एक बार तो उन पर मगरमच्छ ने हमला भी कर दिया था, जिसके बाद उनके एक पैर में 9 टाके भी आए थे। वहीं एक बार पीएम मोदी एक मगरमच्छ के बच्चे को अपने घर ले आए थे। जब उनकी माताजी हीराबा ने देखा तो वो बड़ी नाराज हुई और कहा, इसे वापस छोड़कर आओ। जब बच्चे को कोई माँ से अलग करता है तो दोनों को ही परेशानी होती। अपनी माँ की ये बात सुनकर वो बच्चे को वापस छोड़ आए थे। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि उनके मामा ने उन्हें सफ़ेद कैनवास के जूते खरीद कर दिए थे। घर में नए जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। जब नए जूते मिल गए तो उन्हें साफ रखने की जद्दोजहद शुरू हो गई। उनके पास पॉलिश खरीदने के पैसे भी नहीं थे। ऐसे में उन्होंने एक अलग तरीका निकाला और स्कूल से जो चौक बची हुई होती थी वो घर ले आते थे और उसको पानी में डुबोकर वही अपने जूतों पर लगा लिया करते थे। लो, हो गए जूते क्लीन। पीएम मोदी के बारे में ये किस्सा भी प्रचलित है कि वो स्कूली दिनों में एक एनसीसी कैंप में गए थे। वहां अचानक उन्होंने एक खंभे पर पंछी को फंसा हुआ देखा। कैंप में निकलने की मना थी, लेकिन वो बिना सोचे समझे उसके ऊपर चढ़ गए। उनके टीचर गोवर्धन भाई पटेल ने देखा कि मोदी खंभे पर चढ़े हुए तो वो बड़े गुस्से में आ गए। जब उनकी नजर इस बात पर पड़ी कि एक फंसे हुए पक्षी को निकालने के लिए नरेंद्र खंभे पर चढ़े हैं तो उनका गुस्सा भी वहीं शांत हो गया। बचपन में कुछ ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिजनेस टुडे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 73वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।